फर्स्ट बाइट की खबरें लगातार देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रेरणा तलवार और आप देख रहे हैं फर्स्ट बाइट टीवी। अगर आप भी पंजाब एंड महाराष्ट्र को ऑपरेटिव बैंक के ग्राहक हैं, तो अगले 6 महीने तक आपको परेशानी हो सकती है। दरअसल रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने पंजाब एंड महाराष्ट्र को ऑपरेटिव बैंक पर कई तरह की पाबंदियां लगा दी हैं। RBI ने ये कार्रवाई बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 के सेक्शन 35A के तहत की है। रिजर्व बैंक ने आदेश दिया है कि बैंक में सेविंग खाता रखने वाले अपने अकाउंट से हर दिन सिर्फ 1,000 रुपये ही निकाल पाएंगे। ये प्रतिबंध करंट अकाउंट और डिपॉजिट अकाउंट पर भी लागू होता है। इसके बाद से कई जगहों पर बैंक की ब्रांच में लोगों की भीड़ बढ़ने लगी है। इस बैंक का ऑफिस मुंबई में है। रिजर्व बैंक ने इसके साथ ही लोन और डिपॉजिट पर भी रोक लगा दी। बैंक ने यह प्रतिबंध 23 सितंबर से अगले 6 महीने तक लगाया है। यहाँ पर हम आपको बता दें कि इसका ग्राहकों पर क्या असर हो रहा है। RBI के इस फैसले के बाद पंजाब एंड महाराष्ट्र को ऑपरेटिव बैंक के ग्राहकों की मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही हैं। अब बैंक में कोई भी नया फिक्स्ड डिपॉजिट अकाउंट नहीं खोल सकेगा। इसके अलावा बैंक के नए लोन जारी करने पर भी पाबंदी लग चुकी है। और यही नहीं, बल्कि बैंक के ग्राहक अगले 6 महीने तक 1,000 रुपये से ज़्यादा पैसे नहीं निकाल पाएंगे। बहरहाल RBI के निर्देश के बाद बैंक के अलग अलग ब्रांच से ग्राहकों के हंगामे की खबरें आने लगी हैं। सोशल मीडिया पर लगातार बैंक के अलग अलग ब्रांच से हंगामे की वीडियो जोरों शोरों से शेयर हो रही हैं। आप देख सकते हैं इन वीडियो में कि कितना ज़्यादा गहरा धक्का लगा है लोगों को। हालात सामान्य नहीं दिखाई दे रहे। सोशल मीडिया पर लगातार इस तरह के वीडियो शेयर हो रहे हैं, जहां साफ तौर पर लोगों को हैरान परेशान देखा जा सकता है। इस पर आपको बता दें कि RBI ने क्या कहा है। दरअसल केंद्रीय बैंक के मुख्य महाप्रबंधक योगेश दयाल ने कहा है कि RBI निर्देशों के अनुसार जमाकर्ता बैंक में अपने सेविंग करंट या अन्य किसी खाते में से 1,000 रुपये से ज्यादा रुपये नहीं निकाल सकता। PNC बैंक पर RBI की अग्रिम मंजूरी के बिना लोन और अग्रिम धनराशि देने या रिन्यू करने, किसी भी प्रकार का निवेश करने, फ्रेश डिपॉजिट स्वीकार करने आदि से रोक लगा दी गई है। हालांकि RBI इन दिशा निर्देशों में स्थिति के हिसाब से संशोधन भी कर सकता है, यानी कि अगले 6 महीने तक ऐसी पाबंदियां लग चुकी हैं, लेकिन अगर RBI चाहेगा तो इन 6 महीनों में कुछ ना कुछ संशोधन भी जरूर होगा। यहाँ पर एक बड़ा सवाल है कि क्या लाइसेंस भी रद्द हुआ है, बैंक का लाइसेंस भी कैंसिल हुआ है। तो बता दें कि RBI के इस कठोर फैसले के बाद ये भी कयास लगाए जाने लगे कि पंजाब और महाराष्ट्र कोऑपरेटिव बैंक का लाइसेंस कैंसिल कर दिया गया है। हालांकि RBI की ओर से इस संबंध में स्थिति स्पष्ट की गई। केंद्रीय बैंक की ओर से जारी बयान में कहा गया कि इन पाबंदियों से ये नहीं समझा जाना चाहिए कि RBI ने PNC बैंक का बैंकिंग लाइसेंस जो है उसे कैंसिल कर दिया है। बैंकिंग लाइसेंस रद्द नहीं हुआ है। RBI का कहना है कि बैंक अगले नोटिस या दिशा निर्देश तक पाबंदियों के साथ कारोबार कर सकता है। इस पूरे प्रकरण पर पंजाब एंड महाराष्ट्र कोऑपरेटिव बैंक के MD जॉय थॉमस का बयान भी आ चुका है। थॉमस ने कहा है कि हमें RBI के नियमों के उल्लंघन का खेद है, इस वजह से 6 महीने तक हमारे ग्राहकों को मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। बतौर MD मैं इसकी जिम्मेदारी लेता हूं। इसके साथ ही सभी जमाकर्ताओं को ये सुनिश्चित करता हूं कि 6 महीने से पहले हम अपनी कमियों को सुधार लेंगे। तो यहाँ पर हम कहना चाहेंगे कि जिन लोगों का इस बैंक में अकाउंट है, अगर वो हताश हो चुके हैं, तो आपके पास एक आशा की किरण है, क्योंकि अगले 6 महीने में अगर बैंक की जो पाबंदियाँ लगी हैं बैंक पर, RBI चाहेगा तो इनमें कुछ संशोधन ज़रूर हो सकता है। फिलहाल इस मामले से जो भी जुड़ी हुई अपडेट आपके पास आनी होगी, वो हमारे चैनल के माध्यम से पहुँच जाएगी। फिलहाल हमें इजाज़त दीजिए। नमस्कार।